क्या आप जानते हैं कि खुली आंखों से आप लोग एक बार में कितने तारे देख सकते हैं? क्या आप लोग जानते हैं कि टमाटर का मूल नाम क्या है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पांच ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फैक्ट नंबर वन, रात को खुले आसमान के नीचे बैठ करके तारों को देखना हम सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है और हमें ऐसा लगता है कि हम लोग पूरे ब्रह्मांड के तारों को अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन सचमुच ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन होता है। अकॉर्डिंग टू साइंस ऐसा माना जाता है कि हम लोग अपनी खुली आंखों से सिर्फ 2500 तारों को ही देख सकते हैं। फैक्ट नंबर टू, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि टमाटर हमारी सेहत और हमारे स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि टमाटर का असली या यूं कहें कि टमाटर का मूल नाम लव एप्पल है? जी हां, आप लोगों ने सही सुना, टमाटर का मूल नाम लव एप्पल है। फैक्ट नंबर थ्री, आप सब लोग यूट्यूब के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। यूट्यूब दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। लेकिन क्या आप लोग इस बात को जानते हैं कि यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सर्च होने वाला कीवर्ड है हाउ टू किस? जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सर्च होने वाला कीवर्ड है हाउ टू किस। अगर आप लोग चाहें तो इसे सर्च करके चेक कर सकते हैं। फैक्ट नंबर फोर, क्या आप लोग जानते हैं कि मेसोपोटामिया दुनिया का एक ऐसा राज्य है जहां पर आप लोग एक ही रस्सी पर जेंट्स और लेडीज अंडरवियर एक साथ नहीं सुखा सकते? जी हाँ दोस्तों, मेसोपोटामिया दुनिया का एक ऐसा राज्य है जहां पर आप लोग एक ही रस्सी पर लेडीज अंडरवियर और जेंट्स अंडरवियर एक साथ नहीं सुखा सकते, क्योंकि वहां पर ऐसा करना गैर कानूनी है और ऐसा करने पर वहां के लोगों को सजा भी हो सकती है। फैक्ट नंबर फाइव, दोस्तों आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जीव जंतुओं को प्राकृतिक आपदा या यूं कहें कि भूकंप या किसी भी तूफान के आने का पूर्वाभास बहुत पहले ही हो जाता है। आप सब लोगों ने जेलीफिश का नाम तो जरूर सुना होगा। जेलीफिश एक ऐसी मछली है जिसे प्राकृतिक आपदा या यूं कहें कि तूफान के बारे में 10 से लेकर 15 घंटे पहले ही पता चल जाता है। इसीलिए जेलीफिश समुद्र के किनारों को छोड़ करके समुद्र की गहराई में चली जाती है।